दोस्तों आज हम लोग भेरी और कर्णाली के दुबान में घूमने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगा। और हमारा पास है पल्सर 10160 और ये ऑफ रोड के लिए किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बाइक ऑफ रोड में चलाने का बाइक नहीं है, स्पोर्ट बाइक है। अभी हम लोग ने बहुत ही कब आया, इसका सफर भी गया, देखो दोस्तों इसका सफर भी चला गया, आप लोग देख सकते हो इसका सफर भी नहीं है, ऑफ रोड में इस बाइक को नहीं चलाना चाहिए। और हम लोग यहाँ से जाके अभी 10 मिनट का रास्ता है, घर से निकला हुआ अभी 2-3 घंटा हुआ और 10 मिनट के बाद में पहुँचेंगे और वहाँ पर जाके आप लोग को सब ड्रोन व्यू ऊपर से सब दिखाऊंगा। बाय बाय। Take me up to heaven. Yeah, she got me reaching still. Guys, आप लोग देख सकते हो बहुत नज़दीक है करके हम लोग आ गया, लेकिन 2 घंटा बाइक में आया है, लेकिन अभी तक डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा हूँ हम लोग। यहाँ पर देख सकते हो यार ऐसे हालत हो गया है। Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Could express. Could express. If looks can't kill. गाइज हम लोग गलत रास्ता पे आ गया, ये आप देख सकते हो ये कर्णाली रिवर है और हमारा मकसद था कर्णाली और भेरी दुबान में जाने का मकसद था, लेकिन अभी रास्ता मिस हो गया, हम लोग यहाँ पर आ गया, ये कर्णाली चीसा पानी जाने का रास्ता है और अभी मंजिल में तो पहुँचना ही है दोस्तों, जैसे भी करके हम लोग जाएंगे वहाँ पर जाके, घर से जब निकला था तो वहाँ पहुँचने का जो मकसद था वो पूरा ज़रूर करेंगे, तो मिलती है। गाइस हम लोग फाइनली आ चुका है भेरी और कर्णाली, ये नेपाल में है, इंडिया से निकला हुआ, 5-7 दिन हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये नेपाल के भेरी और कर्णाली के दुबान में है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक शिव जी का मंदिर भी है जो शिवालय कहते हैं यहाँ के लोग। अभी रास्ता बहुत ख़राब है दोस्तों, ये रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत तकलीफ हुआ यहाँ पर आने के लिए। मेरे पल्सर 160 में आया था तो ये बाइक ऑफ रोड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा सफर भी टूट गया और अब जाते हैं, फाइनली मंजिल पर आ चुके हैं, अब वहाँ पर जाके 1-2 ड्रोन शॉट लेंगे और उसके बाद जाएंगे। और ये भेरी और कर्णाली की दुबान में एक मंदिर भी है और ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ के लोग मानते हैं कि गरीबों के लिए यहाँ के मंदिर से भगवान निकल के आते हैं और सबको रक्षा करता है, यहाँ के लोग का मानना है। और यहाँ भी शिव जी का धुनी लगाता है, इधर भी है मंदिर, बहुत सारे मंदिर है। तो कुल मिला के बोला तो दोस्तों नेपाल एक धार्मिक कंट्री है, तो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए नेपाल में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है आप देख सकते हो। और यहाँ के लोग जो है ना वो धर्मों में बहुत विश्वास रखते हैं और मानना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था यार, भगवान की कृपाओं से हम लोग यहाँ पर आ गए। फाइनली मेरा मकसद था ये दो बहुत बड़े नदी है
और इस नदी में अब पहुंचने का मकसद था, फाइनली आ चुके हैं। आप देख सकते हो। और काय बोलूं यार, देखो यार गाइस, यार ये बहुत अच्छा जगह है यार घूमने के लिए, आप लोग भी आ सकते हो। इधर से बोला तो इधर से बेरी आ रहा है और इधर से कर्णाली नदी है, बहुत अच्छा है। हम लोग जा रहे हैं अभी, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है यहाँ पर पहुँचने के लिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। देखो एक बेरी नदी है यार, कितना यार यहाँ पर आने से बहुत सुकून मिलता है यार, कोई टेंशन कोई होता है ना मन में यार, बहुत हैप्पीनेस फील होता है। देखो और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेरी नदी बह रहा है, यहाँ पर बच्चे लोग नह रहा है। Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running. गाइस आप उधर देख सकते हो, ये नदी से वो पहाड़ कितना काटा है, देखो ऊपर से नीचे तक ये नदी के बहाव से सब काट दिया है। गाइस फाइनली हम लोग ड्रोन के शॉट भी लेकर फिनिश किया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा है, कितना अच्छा पत्थर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और उधर से देखो बेरी आ रहा है, बेरी का पानी उधर से, बेरी का पानी आ रहा है और इधर से कर्णाली। गाइस देखो यहाँ पर सनसेट, ऐसे सनसेट हो रहा है यहाँ पर और कर्णाली नदी बह रहा है और उधर से बेरी नदी, और बेरी नदी और कर्णाली नदी आपस में ऐसे मिलते हैं देखो। और ये पत्थर देखो यार, पत्थर कैसे है यार, पत्थर ये कितना अच्छे से पत्थर इधर बन रहा है, उधर बच्चे लोग भी है। Take a moment right here, feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Guys, आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर से बेरी नदी, इधर से कर्णाली नदी आ रहा है और जो मैं अभी संगम में हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोलता यार, बहुत सुकून मिलता है यार, बहुत सुकून है लाइफ में यार, जितना भी टेंशन हो जितना भी सब कुछ छोड़ दो यार, आप लोग यहाँ पर आके बस यार एक मिनट आँख बंद करके आराम से बैठो यार, बहुत सुकून मिलता है। इतना अच्छा नदी बह रहा है यार और इधर भी इतना अच्छा नदी बह रहा है यार, आप लोगों को मैं इतना सुंदर सा व्यू दिखा रहा हूँ। अंकल क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग घर जा रहे हैं
सब जितना सब जितना दिखना था सब दिख गया। अब हम लोग ये रास्ता से घर जा रहे हैं। रास्ता फाइनली गए, जब भी मेरे रूम में आ चुका हूँ और आज का जो आज का ये बहुत मुश्किल था। आज हम लोग जहाँ पर गए हैं बैरी और कर्णाली की दुकान में, वो बहुत दूर था और बहुत मुश्किल था, बहुत ख़राब रास्ता था। और पल्सर N160 में गया था, उस बाइक का सफर भी टूट गया। अभी मेरे को चक्कर आ रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।